गाइस वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओप्पो F9 प्रो के साथ कंपैरिजन करेंगे नोकिया X6 को। और दोस्तों फाइनली यहां पे नोकिया X6 नोकिया 6.1 प्लस नाम से इंडिया में लॉन्च होगा बहुत ही जल्दी, और दोस्तों ओप्पो F9 प्रो भी बहुत ही जल्दी दिखने को मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में इन दोनों स्मार्टफोन की कंपेरिजन फुल डिटेल ओवरव्यू और दोस्तों कब तक लॉन्च होगा इंडिया में, प्राइसिंग क्या होगा इन दोनों स्मार्टफोन की, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन आपको बेस्ट होगा, कौन सा स्मार्टफोन में आपको बेस्ट फीचर के साथ दिखने को मिल जाएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, देखने के बाद आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा 2018 में प्राइसिंग के अकॉर्डिंग और फीचर के अकॉर्डिंग। सो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिए Tech42 चैनल को और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे साथ कंपेरिजन बिटवीन नोकिया X6 और 6.1 प्लस वर्सेस ओप्पो F9 प्रो, फुल डिटेल कंपेरिजन ओवरव्यू, लॉन्च डेट, प्राइस इन इंडिया। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो दोनों फोन्स में आपको प्रीमियम ग्लास बॉडी डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक साइड में। फ्रंट में आपको नॉच मिलेगा दोनों फोन्स में, लेकिन दोस्तों ओप्पो F9 प्रो में आपको जो नॉच मिलेगा काफ़ी छोटा सा, काफ़ी अलग नॉच सेटअप के साथ सबसे छोटा नॉच दिखने को मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में। और दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा विद एस्पेक्ट रेशियो 19:9, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 90% मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिलेगा 5.8 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले विद एस्पेक्ट रेशियो 19:9, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट आपको 85% मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन की अगर रैम रोम चिपसेट के बारे में बात की जाए तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 636 के साथ दोनों वेरिएंट का रैम रोम, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी। और दोस्तों यहाँ पे मिलेगा और एक वेरिएंट 6GB रैम विथ 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ नोकिया X6 और नोकिया 6.1 प्लस मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलेगा MediaTek Helio P60 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी और एक वेरिएंट होगा 6GB विथ 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ ओप्पो F9 प्रो दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ही आपको काफ़ी अच्छा हार्डवेयर मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो का जो MediaTek Helio P60 होगा ये स्नैपड्रैगन 660 के साथ कम्पीट करेगा। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में बात की जाए तो नोकिया X6 और 6.1 प्लस में आपको मिलेगा 16+5 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर बैक साइड में, और दोस्तों फ्रंट में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा फ्रंट में। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलेगा बैक साइड में 16+2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, फ्रंट में आपको मिल जाएगा हाई रेजोल्यूशन 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको काफ़ी सारे AR स्टिकर, AI फीचर कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात की जाए तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिलेगा 3060mAh की बैटरी विद क्वालकॉम 3.0 फर्स्ट चार्जिंग USB टाइप सी पोर्ट। दोस्तों यहाँ पे ओप्पो F9 प्रो में आपको मिलेगा 3500mAh की बैटरी और दोस्तों VOOC फर्स्ट चार्जिंग मिल जाएगा। दोस्तों ये VOOC फर्स्ट चार्जिंग काफ़ी अच्छा होगा, 5 मिनट चार्ज करने पे आपको पूरा 2 आवर का टॉक टाइम मिल जाएगा। दोस्तों दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और दोस्तों कलर वेस के साथ यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा ओप्पो F9 प्रो में, नोकिया X6 में आपको मिलेगा, और 6.1 प्लस में आपको स्टॉक एंड्रॉयड दिखने को मिल जाएगा। दोनों फोन्स में आपको मिल जाएगा फेस आईडी की सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर होने के साथ साथ ही। गाइस फाइनली प्राइसिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो नोकिया 6.1 प्लस एंड ओप्पो F9 प्रो दोनों स्मार्टफोन अगस्त में लॉन्च होगा। ओप्पो F9 प्रो 21 अगस्त लॉन्च होगा। इस फोन की जो प्राइस होगा 20 से लेकर 25,000 के आसपास में, और दोस्तों नोकिया 6.1 प्लस की जो प्राइस होगा 18 से लेकर 20,000 के बीच में। तो गाइस मेरे हिसाब से दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी दोस्तों प्राइसिंग, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे, और दोस्तों बाकी अदरवाइज सब कुछ ठीक है दोनों फोन्स में ही। आपको काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन मिलेगा, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन दिखने को मिल जाएगा। सो गाइस मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और दोस्तों कमेंट करके बोलिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा। सो थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर।